अच्छा
एक्सक्यूज मी मैम, मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके क्षितिज, डू यू वॉन्ट टू गिव द आंसर? ओके हाँ जी, वन वन चेक करने हैं तो क्या करेंगे? लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द टू कंपोनेंट्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, then x1 cube is equal to x2 cube, x1 cube minus x2 cube is equal to 0. So यहाँ पे आप formula अपना लगा देंगे, x1 minus x2 into x1 square plus x2 square plus x1 x2. Now this being the product of sum of the squares and product of two real numbers can never be equal to 0. It means x1 minus x2 जो है आपका that will be equal to 0. तो x1 is equal to यहां से क्या आ गया आपका x2, या आप यहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो, जब आपके दो नंबर्स के क्यूब्स इक्वल होंगे तो इधर बोथ विल बी नेगेटिव और बोथ विल बी पॉजिटिव, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास x1 is equal to x2. तो व्हेनेवर द दैट इमेज इज इक्वल तो प्री इमेजेस आर आल्सो इक्वल, तो फंक्शन इज 1 1. अब इसका हमने चेक करना है वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, कैसे करें ऑन टू चेक करने, फंक्शन इज ऑन टू और नॉट. हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस करते हैं वाई से, तो वाई आ जाएगा एक्स क्यूब. अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज वाई टू द पावर 1/3. हम क्या करते थे फिर एक्स एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं, अगर वो इक्वल टू वाई आ रहा होता है तो फंक्शन इज ऑन टू. तो यहां से आ जाएगा आपका एफ ऑफ वाई टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 1/3 क्यूब. एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई टू दी पावर 1/3 से, ये पावर जो है वो एज इट इज ले ली. अब ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज इक्वल टू वाई, तो फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो. तो गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू. Now the next question. If x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta. Then find the value of b square y upon dx square. At theta is equal to pi by 6. Parametric form है. पहले क्या आएगा dx upon d theta. क्या होता है a as it is, what is the derivative of secant theta? Secant theta का derivative. माइनस कॉ वाले के आगे लगता है सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा
No. No. Secant theta, tan theta. Or dy by d theta, tan का derivative is? ये तो पता होना चाहिए. Derivative of tan theta. बोलो secant theta का हो गया, secant theta, tan theta. तो tan theta का derivative क्या होगा? That is secant square theta. Now find out dy by dx. This is b into secant square theta upon a into secant theta tan theta. So secant a का आपका cancel out हो जाएगा, b upon a secant theta upon tan theta. This can again be rewritten. Secant is 1 by cos, tan is sin by cos. तो ये आपका cancel out होके b upon a sin theta. ये dy by dx आ गया. Now we are to find d square y upon dx square. इसको भी आप b upon a cosec theta लिख सकते हो, क्योंकि upon में जब आप लेके चलोगे तो that will be difficult for you. So dy upon dx is b by a cosec theta. ठीक है, अब अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहां पे आपको जब ऐसे दे दिया जाता है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आप लास्ट में इसको पुट करोगे, पहले आपने पुट नहीं करना. ठीक है, अदरवाइज वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? बी बाई ए कॉसेक थीटा. बी बाई ए इज कॉन्स्टेंट, कॉसेक है, कॉ है तो नेगेटिव लग गया. कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट का क्या था? सीकेंट थीटा टेन थीटा. कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक थीटा कॉट थीटा. अब ये खत्म यहाँ पे कि आगे कुछ करना है? हाँ जी, डेरिवेटिव खत्म कि आगे है इसका कोई पार्ट? डेरिवेटिव ध्यान से देखो, आई एम आस्किंग अबाउट द डेरिवेटिव ओनली, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो देखने में इजी लगती हैं और यहीं पे आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो. ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज थीटा. ठीक है, तो यहां साथ में क्या आएगा? इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये साथ में जरूर लगाना है. यहीं पे बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है. अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो एंड देन पुट थीटा इज इक्वल टू. हाँ जी बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने यहाँ क्या किया है? डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, अलग अलग डेरिवेटिव्स लगा के हमने पुट किया, इसलिए यहाँ नहीं जरूरत है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास ऑलरेडी dy by dx की फॉर्म थी इन टर्म्स ऑफ थीटा. हम dy by dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं, मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो इधर ये थीटा है, यानी कि इस साइड पे आप थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना. तो जब आप थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यानी कि थीटा इज फर्दर डिफ्रेंशिएबल ओवर हियर. तो थीटा फर्दर डिफरेंशिएबल है, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एक्स साथ में लेना. ठीक है, अब डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू पुट करके जल्दी से आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है. Be quick. D theta by dx है ये, ध्यान रखना. और हमें यहाँ पे dx by d theta given है, तो upon में आएगा जो आप put करोगे.
This is Vx upon d theta. ये tan theta ऊपर जाएगा तो cot square theta बन जाएगा. यहाँ पे भी cos sec को लिखोगे जब तो denominator में sin, इसको लिखोगे तो cos. Again cos upon sin is cot theta. तो ये बन गया आपका minus b by a square cot cube theta. अब theta को pi by 6 put करो and get your answer. cot 30 root 3, root 3 का cube will be 3 root 3. तो your answer will be minus 3 root 3 b upon a square. Clear? चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सेम उसी तरीके से है. हमें ग्राफ गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेयर इट विल बी मिनिमम. पॉइंट्स निकालने हैं वेयर द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मिनिमम. जेड गिवन है हमें अब 2x-3y और पॉइंट्स हमें गिवन है. अगेन दिस इज अ बाउंडेड रीजन. पॉइंट्स गिवन आर 0, 0, 5, 0. देन वी आर हैविंग 6, 5, 6, 8, 4, 10 and 0, 8. सो फाइंड द वैल्यू वेयर द जेड इज मिनिमम. फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी. देन बाकी क्या क्या वैल्यूज आएंगे. अगली 10 आ गई. अगली -3. उससे अगली -12, -22. सो विच इज द मिनिमम वैल्यू. हाँ जी, हाँ, 0.8 पे द वैल्यू इज मिनिमम. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स. ये कर दो इरेज. दिस इज योर 24th क्वेश्चन. साइन इनवर्स 2x√1 − x² फाइंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x. Where x lies between 1 to 1 by root 2, 45 से 1 के बीच में है. हाँ जी, क्या करेंगे अब इसमें. देखो ये मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x√1 − x². इसको अगर मैं u पुट कर लूं तो साइन u की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2x√1 − x². सेम वे में यहाँ पे साइन इनवर्स x को अगर मैं v पुट कर लूं तो x मेरे पास क्या आ गया, साइन v. x की वैल्यू साइन v यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन u इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 sin v, 1 − sin² v अंडर द रूट इज cos v. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos v. इसको आप इधर ना लेके जाओ तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्योंकि वो साइन इनवर्स और साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. अब 2 sin v cos v कैन बी रिटन एज
2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So u is equal to 2v. अब आपको क्या निकालना है, यू आर टू डिफरेंशिएट दिस, तो यू आर टू फाइंड डी यू अपॉन डी वी, क्योंकि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू ये करना था, इसको हमने यू माना है, इसको वी माना है, यानी कि वी आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी. तो डी यू अपॉन डी वी क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, दैट विल बी इक्वल टू 2. सो दिस विल बी योर आंसर. Now moving on to question number 25. अब matrix A हमें given है यहाँ पे, कर दो इरेज़ वन माइनस वन जीरो टू थ्री फोर एंड जीरो वन टू और B given है 2 minus 4, minus 4, 2 minus 4, and 2 minus 1 and 5. Our options मुझे given है नीचे, A inverse is equal to B, B inverse is equal to B, A inverse is equal to 6B, B inverse is equal to 1/6A. It means जब मुझे इनके inverses निकालने हैं तो मुझे ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर ए बी इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ रही है तो एक जो है वो दूसरे का इनवर्स लेके चलते हैं. ए बी फाइंड आउट करिए जल्दी से क्या है, बी क्विक. जल्दी बताइए क्या आएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेल इफ यू हैव डन. फर्स्ट वाला आया ये 1 × 2 + 4 + 0, 6 आ गया. अगला बताइए 2 − 2 = 0, देन द नेक्स्ट वन इज −4 + 4 = 0. फर्स्ट रो आ गई आपके 6 0 0. नेक्स्ट सेकंड रो. हाँ जी ठीक है. नेक्स्ट वन −4 + 4 = 0, देन 0 2 0 2 1 − 2 = 0, एंड द लास्ट वन −4 + −4 = −4 + 10, दैट इज 6. यानी कि ए बी आ गया हमारे पास 6 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब मुझे जो चेक करना है दैट इज कि यहाँ पे ऑप्शन जो मुझे गिवन थी दैट वॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 6b, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ए. अब अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स बी इनवर्स आ जाएगा, यानी कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ए. तो दिस विल बी योर answer. Now the 26th question. The real function f of x is equal to, ये कर दूँ. अब मुझे function given है f of x is equal to और options में मुझे check करना है कि इस कौन से interval पे ये increasing या decreasing है. तो f of x is equal to 2x³ − 3x² − 36x + 7. सो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 6x² − −36 क्या आ गया यहां से. अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा,
क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3 and 2, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है, तो पॉइंट्स ले लिए मैंने इधर, क्योंकि इंटरवल कोई गिवन नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हम इसको चेक करेंगे। हेयर इट विल बी पॉजिटिव, हेयर इट विल बी नेगेटिव, हेयर इट विल बी पॉजिटिव। अब इट मींस माइनस इंफिनिटी से 2 union 3 टू इंफिनिटी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड 2 to 3 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब ऑप्शंस थी strictly increasing in minus infinity to minus 2 and decreasing in minus 2 to infinity. हमारे पास यहाँ पे क्या है? Plus 2 है, ठीक है? एक मिनट ये चेक कर लो कि minus 2 तो नहीं आ रहे आपके फैक्टर्स, मुझे लग रहा है दिस विल बी माइनस 2। माइनस टू है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड डिक्रीजिंग इन माइनस टू टू इंफिनिटी, तो ये रॉन्ग हो गया। देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस टू टू 3, ये डिक्रीज कर रही है। देन डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड इंक्रीजिंग इन 3 टू इंफिनिटी, हमारे जो इंटरवल्स बन रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू टू 3, 3 टू इंफिनिटी, तो अगर माइनस इंफिनिटी टू 3 आ रहा है तो वो वाला ऑप्शन हमने नहीं लेना है। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, दैट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस टू टू 3। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ एज द टाइम इज ओवर, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। इफ एनीवन